हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक वक्त। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा दूर से हो रहा है क्योंकि मैंने ट्राईपॉड खरीद लिया है। कल मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी है, ट्राईपॉड 3110 इसका अनबॉक्सिंग किया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ दिखाया था मैंने दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे जो यूट्यूब के दोस्त हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार वो जो लाइट आपने बनाया है वो कैसे बनाया है, किस तरह बनाया है, दिखाइए मुझे। वो लोग भी बनाना चाहते हैं और अपना वीडियो का क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों कि वो लोग का ये सवाल था कि लाइट लगाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, सारा कुछ बता दे रहे दोस्तों। अब अभी देखिए कि क्या नुकसान है। अभी देखिए, आपको जो फ़ोटो मेरा दिख रहा है, मेरा जो वीडियो दिख रहा है, क्वालिटी दिख रहा है, परछाई वगैरह बहुत ही कम दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर परछाई दिख रहा है, बाकी परछाई कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑफ करता हूँ, ये स्विच है मेरे पास। अभी देखिए, लाइट ऑफ करने के बाद क्या है, मेरे नेक पे और इस तरह का मेरा हाथ का और इधर का देखिए बहुत सारा मिल रहा है। पीछे का जो है लाइट दिख रहा है, लेकिन फेस का जो लाइट है बहुत ही कम दिख रहा है। लेकिन अभी जलाने के बाद आप लोग देखिए फ़र्क कैसा होगा दोस्तों। ये जो है मेरा फिंगर का बहुत ही कम दिख रहा है और पूरा मतलब HD में हो जाता है वीडियो, क्योंकि दोस्तों माइक अच्छा होने से नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पब्लिक देखते हैं वो है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल 20 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल का फ्रंट नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन 20 है या 25 है या 30 है, जो भी आपका मेगापिक्सल वाला कैमरा है फ्रंट का, जैसे मैं ना रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ करता हूँ, उसी से कैमरा शूट करता हूँ दोस्तों। तो जिसकी वजह से आपको अगर DSLR इफ़ेक्ट चाहिए, जैसे बैकग्राउंड ब्लर, तो इसके भी बहुत सारी वीडियोस है YouTube में, आप देख के कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीके से ओपन कैमरा ऐप में यूज़ करके आप किस तरह बनाएंगे दोस्तों। अगर आप लाइट नहीं यूज़ करते तो देखिए इस तरह का वीडियो बनेगा। लेकिन ये क्लियर पता चलता है कि ये मोबाइल का वीडियो है। लेकिन ये जैसे मैंने लाइट ऑन कर दिया तो ये कोई नहीं बता सकता कि ये मोबाइल में शूट किया जा रहा है। कल मैंने बताया था दोस्तों, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। खैर वो सब छोड़िए, लाइट को मैंने किस तरह बनाया और किस तरह बिल्ड किया है सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो और टेक न्यूज़ और अनबॉक्सिंग मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो लाइट है, ये मेरा सेटअप है। इस तरह का लाइट मैं जलाता हूँ दोस्तों और इसी तरह का जो लाइट है मैं करता हूँ। ये जो पाइप है दोस्तों, ये पाइप आप जो देख सकते हैं यहाँ के पर, आप लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पाइप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का पाइप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरा मच्छरदानी का पाइप था, जो बात है क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, ये पाइप है, ये मच्छरदानी का पाइप है। मेन खेला इसमें नहीं है, इसको किसी भी तरह से आप बांध सकते हैं, तीन एंगल में आप तंबू के जैसा खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन इससे वाकई में वीडियो में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरा पहले का वीडियो देखिए, जो स्टार्टिंग का वीडियो है उसमें वीडियो क्वालिटी देखिए, और अभी जो वीडियो बनता है उसमें वीडियो क्वालिटी देखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो ये इस तरह का है दोस्तों स्टेप। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। मेन खेला यहीं पर है, यहाँ पर बांधना है दोस्तों। इस तरह का एक आपको ले लेना होगा, बड़ा जैसा साइज़ का आपको बॉल लेना होगा जो अल्मोनियम का रहता है। ये मुझे 30 रुपये में मिला है दोस्तों। तो इस तरह का आपको लेना है, देखिए इस तरह का मैंने खड़ा किया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा ट्राईपॉड है जिसमें अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट। तो ये इस तरह का है दोस्तों, इस तरह का बनाना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है, लाइट इस तरह से जल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेन खेला इसी का है दोस्तों, मेन खेला इसका इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको लगाना होगा एक प्लास्टिक। ये प्लास्टिक कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये प्लास्टिक कोई भी पॉलीथीन वगैरह आप काट के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पॉलीथीन वगैरह लगा सकते हैं। अब अंदर में क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा लाइट है, सारा कुछ तो हम बता रहे हैं। थोड़ा ब्लर इफेक्ट भी दिख रहा है क्योंकि ओपन कैमरा ऐप है, थोड़ा ब्लर इफेक्ट आपको दिखेगा बैकग्राउंड में। उस तरह का सेटिंग, अगर इस तरह का सेटिंग चाहते हैं आप तो कमेंट में बताइए, देख लीजिए बहुत सारा फर्क पड़ता है इसमें दोस्तों। ये किस तरह का है देखिए, अभी मैं चालू करूँगा तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो इस तरह का है दोस्तों लाइट। अब लाइट में अंदर क्या है मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तो देखिए ये है लाइट, ये प्लास्टिक लगा हुआ है, नॉर्मल सा पॉलीथीन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, टेप तो मारा हुआ है, फिर से मैं बना मार दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अंदर क्या है, कौन सा मटेरियल है। तो आप लोगों को एक गोल पॉलीथीन काटना होगा दोस्तों। काटने के बाद इस तरह का देखिए प्लास्टिक ये है,
दूसरा टिप भी मैं उखाड़ देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस तरह का खतरनाक काम करता रहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो ये एक नॉर्मल सा पॉलिथीन है दोस्तों, 30 से मतलब 100 रुपये के अंदर में दोस्तों आप अच्छा से अच्छा आप एक लाइट खड़ा कर सकते हैं, अम्ब्रेला लाइट जिसको बोलते हैं उस तरह का लाइट आप खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो देखिए दोस्तों अंदर में क्या है, तो अंदर में आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि एक LED लाइट है जो भारत सरकार की तरफ से मिला है आधार कार्ड में मुझे, जो बात है क्लियर, हमारे श्रीमान माननीय मोदी जी दिए हैं। अब अच्छे हैं वो बुरे हैं वो तो आप कमेंट में बताइए, मेरे हिसाब से क्या है मेरा व्यू मत जानिए, छोड़िए। तो ये लाइट है दोस्तों, यही लाइट है, ये LED लाइट है, एक होल्डर लगा हुआ है पीछे देख सकते हैं, ये इस तरह से जल जाता है, फोकस नहीं हो रहा है अभी क्योंकि देख लीजिए, तो इस तरह से है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इस तरह से हैं, उसके बाद चिमकी जब लग जाता है, प्लास्टिक लग जाता है इस टाइप से, तो इसका जो लुक है पूरा अम्ब्रेला वाला आ जाता है दोस्तों, पूरा अम्ब्रेला वाला फीलिंग देने लगता है। देखिए जैसे मैंने ये लगा दिया, अब जैसे ही चालू करेंगे तो देखिए ये लाइट फैल जाता है, एक जगह फोकस नहीं करता, फैल जाता है लाइट। तो इस तरह का कुछ है दोस्तों, आप इस तरह का सस्ते में आप बना सकते हैं अम्ब्रेला लाइट घर में, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप करिए, मैं बताऊँ। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, सारा चीज़ एक एक करके एक एक चीज़ मैंने समझा दिया है, तो आप लोग बना सकते हैं इस तरह का लाइट। और ब्लर इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये पता नहीं कैसे हो रहा, मुझे सेटिंग में जाके देखना होगा। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों बाय।